हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 14th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व डी टू द पावर 4y बाय dx टू द पावर 4 माइनस 3d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 5u साइन ऑफ 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही रूल्स और वही फार्मूलेज का यूज करेंगे जो हमने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स में बताए थे। तो अगर आपने वो 3 लेक्चर्स नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा, उससे आपका हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम सबसे पहले ये इक्वेशन को चेक करेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा है, एफ ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। ये है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें पहले ये गिवन इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना है, क्या ये दोनों मैच करते हैं। अगर ये दोनों मैच करते हैं तो फिर हमें प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करना है। तो फिलहाल अभी ये देखो, ये दोनों मैच नहीं करते। यहां पे देखो क्या है, एफ ऑफ डी यहां पे कैपिटल डी है जबकि यहां पे स्मॉल दैट इज डी बाय डीएक्स के फॉर्म में है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले डी बाय डीएक्स की जगह कैपिटल डी ऐसा पुट करना है। ठीक है, दैट इज कैपिटल डी यानी होगा दैट इज डी बाय डीएक्स। तो अगर हम इसको कैपिटल डी के फॉर्म में लिखेंगे तो देखो ये क्या होता है। तो हम यहां पे लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, देखो अब हम इसको कैपिटल डी के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा डी टू द पावर 4 वाई माइनस 3d स्क्वायर वाई माइनस 4y इक्वल्स टू 5 साइन ऑफ 2x माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ 2x। देखो हमने इसको कैपिटल डी के फॉर्म में लिखे तो क्या ये दोनों मैच करते हैं? ये दोनों अभी भी मैच नहीं करते। ठीक है, यहां पे उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, यहां पे y को कॉमन लेना पड़ेगा। अगर आप यहां पे y को कॉमन ले लेते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा डी टू द पावर 4 माइनस 3d स्क्वायर माइनस ऑफ 4। ये हम y को लेफ्ट साइड में कॉमन ले लिए, राइट साइड जो है वो एज इट इज रहने दो, 5 साइन ऑफ 2x माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ 2x। अब चेक करो, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ दैट इज ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके साथ क्या मैच करता है? बिल्कुल अब ये मैच करता है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, एफ ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। तो यहां पे ये जो ब्रैकेट है ये है एफ ऑफ डी के प्लेस पे, देन ये है वाई और इक्वल्स टू के राइट साइड में ये है पूरा क्यू ऑफ एक्स, एफ ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। इसका मतलब अब ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है और अब हम इसको सॉल्व करके इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। अब दो टाइप के सॉल्यूशंस निकालना होता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये दो सॉल्यूशंस पहले हमें निकालना है, फिर एट द लास्ट ये दोनों सॉल्यूशंस को हमें ऐड करना है तो उससे हमें जनरल सॉल्यूशन मिलता है। एक बार हमें जनरल सॉल्यूशन मिल गया तो प्रॉब्लम वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो यहां पे अब इसको सॉल्व करेंगे और सबसे पहला सॉल्यूशन हम निकालेंगे दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए पहले आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करना होता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे तैयार करते हैं वो देखिए, काफी सिंपल है। उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी एफ ऑफ डी होता है उसको जीरो के साथ इक्वेट करना होता है। अगर एफ ऑफ डी इक्वल टू जीरो करेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगा। तो यहां पर ये जो ब्रैकेट है, जैसा हमने कहा ये जो ब्रैकेट ये है एफ ऑफ डी, इसको बस जीरो के साथ इक्वेट करो। तो हम यहां पे लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन इज दैट इज ए ई, इट मींस ऑक्सिलरी इक्वेशन इज। तो हमें क्या करना है, ये एफ ऑफ डी को जीरो के साथ इक्वेट करना है। तो ब्रैकेट डी टू द पावर 4 माइनस 3d स्क्वायर माइनस 4, ये ब्रैकेट को हम जीरो के साथ इक्वेट कर रहे हैं। तो ये हमने कर लिए, तो ये बन गया ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करना है। एक बार इसके रूट्स मिल जाते हैं तो फिर वो रूट्स का यूज करके हम आसानी से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना सकते हैं। अब इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, देखो इसके रूट्स तैयार करने के लिए हम एक काम करेंगे। सबसे पहले यहां पे जो है ये डी टू द पावर 4 है तो हम इसको आसान करने के लिए एक काम करेंगे, हम इसको डी स्क्योर का स्क्योर हम ऐसा लिखेंगे माइनस 3d स्क्योर माइनस 4 हम इसको ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब इसके रूट्स निकालने के लिए एक काम करेंगे, यहां पे कुछ पुट करेंगे, पुट डी स्क्योर इक्वल्स टू एम, यहां पे जहां जहां पे डी स्क्योर है वहां वहां पे एम पुट करो ताकि रूट्स निकालने में आसानी हो। तो यहां पे डी स्क्योर है तो यहां पे हो जाएगा एम स्क्योर, तो ये हम लिखेंगे एम स्क्योर माइनस 3m माइनस 4। ये देखो हमने इसको m के फॉर्म में लिख दिए और अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे बन चुकी है। अब इसके रूट्स निकालना आसान है, यहां पे पावर 4 था, रूट्स निकालने में दिक्कत होती है।
इसलिए इसको आसान करने के लिए हमने इसको यहां पे दैट इज यहां पे पावर हमने 2 ला लिए, और अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म का हम इसके रूट्स निकालेंगे। अब ये आसानी से निकल जाएंगे। कैसे निकालेंगे रूट्स? तो यहां पे देखो लास्ट में है -4 और उसके पहले है यहां -3। तो आपको ऐसे कोई दो नंबर सोचना है जिसका मल्टीप्लीकेशन -4 हो और जिसका एडिशन -3 हो। तो ऐसे दो नंबर हमने सोच लिए हैं, एक है -4 और दूसरा है 1। ठीक है, कौन से दो नंबर? एक -4 और एक 1। अगर आप -4 और 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आता है, और अगर आप ये दोनों को ऐड करेंगे तो -3 आता है। इसका मतलब ये रूट्स इसके हो सकते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे दैट इज m+1 m-4 इक्वल्स टू 0। इनडायरेक्टली हम यहां पे रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, इट मींस हम इनडायरेक्टली इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। तो देखो यहां पे हमें दो ब्रैकेट मिले हैं, पहला है m+1 और दूसरा m-4। ये 1 जो है वो हमने यहां रखे, -4 हमने इसको यहां रखे, और अब इसको हम आसानी से लिख सकते हैं ऐसा कि m+1 इक्वल्स टू 0 एंड m-4 इक्वल्स टू 0। तो इसके थ्रू हमें रूट्स निकालने थे, इसलिए हमने ये दोनों को अलग अलग कर लिए। लेकिन ये m के फॉर्म में है जबकि हम d के फॉर्म में सॉल्व कर रहे थे। तो अब हम m का जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हम यहां पुट कर देंगे। m का ओरिजिनल वैल्यू क्या है? दैट इज d2। तो ये हम यहां पे लिखेंगे पुट m इक्वल्स टू d2, जो उसका ओरिजिनल वैल्यू है वो हम यहां पुट कर लेंगे। तो देखो पुट करने के बाद ये क्या होता है। तो यहां पे m+1 इक्वल्स टू 0 है, तो वो हो जाएगा d2+1 इक्वल्स टू 0, और यहां पे m-4 इक्वल्स टू 0 है, तो ये हो जाएगा d2-4 इक्वल्स टू 0। ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और अब यहां पे आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, d2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा -1 और यहां पे हो जाएगा d2 इक्वल्स टू 4 ऐसा। ठीक है, ये -4 को उधर शिफ्ट करो 4, ये +1 को इधर शिफ्ट करो तो -1। अब हम यहां पे इसका अंडर रूट लेंगे तो इसके रूट्स हमें मिल जाएंगे। तो ये जो -1 है तो हम इसको ऐसा लिखेंगे d2 इक्वल्स टू -1, मतलब होता है i2, ये स्टैंडर्ड है। और यहां पे रूट्स लेंगे तो फिलहाल हम इसको ऐसे ही लेंगे, यहां पे रखेंगे, अगले स्टेप में हम यहां पे इसको अंडर रूट करेंगे। तो देखो अब यहां पे रूट्स मिल जाएंगे, तो d इक्वल्स टू हो जाएगा +-i और यहां पे हो जाएगा d इक्वल्स टू +-2। ठीक है, इस तरह से ये हमें रूट्स मिल चुके हैं। ठीक है, तो यहां पे दो टाइप के रूट यहां पे आए हैं। ठीक है, तो दोनों टाइप क्या है वो देखो हम आपको बता देते हैं। यहां पे है +-2, इसको कहते हैं रियल एंड डिफरेंट, और यहां पे है +-i, तो ये हो गया इमेजिनरी एंड डिफरेंट। ये दो टाइप के हो गए। ठीक है, +-2 और +-i। यहां पे टोटल देखो d का पावर क्या है, d का पावर 4 है, इट मींस हमें इनडायरेक्टली 4 रूट्स मिले हैं। एक है +2, दूसरा है -2, तीसरा है +i और चौथा है -i। ऐसे टोटल 4 रूट्स मिले हैं, लेकिन यहां पे दो टाइप के हो गए, ये है रियल एंड डिफरेंट और ये है इमेजिनरी एंड डिफरेंट। तो फाइनली जैसा हमने कहा था कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, तो ये हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स यहां पे निकाल दिए, और अब ये रूट्स का यूज करके हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन बनाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ऊपर ऑलरेडी हमने एक स्पेशल वीडियो इसके पहले अपलोड किए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उसमें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट रूट्स जो होते हैं, रूट्स के टाइप का यूज करके आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन तैयार करना होता है। तो वो रूट्स की जानकारी आपको होना चाहिए कि कितने टाइप के रूट्स होते हैं और वो रूट्स के अकॉर्डिंग इक्वेशन कैसे बनता है, उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का वीडियो आप देख लीजिएगा, आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का क्लियर हो जाएगा। तो चलो फिलहाल हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम CF ऐसा लिखेंगे। तो ये +-2 के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे c1e2x और फिर +c2e2-2x। ठीक है, ये +-2 के लिए हमने ये बना लिए, ये रियल एंड डिफरेंट है तो इसके लिए ये आ गया। और अब इसके लिए +-i के लिए तो ये हम लिखेंगे +c3cos(x) +c4sin(x)। तो ये हमने +-i के लिए यहां पे लिख लिए। अब ये कैसे आया इसके ऊपर थोड़ा सा एक उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बता देते हैं। तो ये +-2 है, इट मींस रियल एंड डिफरेंट है। तो रियल एंड डिफरेंट के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है c1e^(m1x) +c2e^(m2x)। ये ऐसा होता है, यहां पे पहला रूट माने m1 और दूसरा रूट माने m2। ठीक है, तो यहां पे 2 आया और यहां पे -2 आया। ठीक है, तो ये दोनों को हमने यहां पे लिख लिया। और ये जो हमने लिखा है ये कैसे लिखे, तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म रियल एंड डिफरेंट के लिए ऐसा होता है e^(α(x) देन c1cos(β(x) c2sin(β(x)। ये होता है रियल एंड डिफरेंट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म।
ठीक है ऐसा। अब इसमें अल्फा, अल्फा कहां है देखो, यहां पे देखो क्या है, प्लस माइनस आई, रियल एंड डिफरेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, दैट इज अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, देखो ऐसा होता है, ये रियल एंड डिफरेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अल्फा प्लस माइनस आई बीटा में से यहां पे सिर्फ प्लस माइनस आई है, इसका मतलब यहां पे अल्फा क्या है, अल्फा यहां पे जीरो है और बीटा यहां पे वन है, ठीक है। प्लस माइनस आई का अर्थ क्या होता है, प्लस माइनस आई मतलब होता है जीरो प्लस माइनस आई, ऐसा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू जीरो और बीटा की वैल्यू वन, ठीक है। तो अगर आप अल्फा की वैल्यू यहां जीरो रखते हैं तो ये e टू दी पावर जीरो एक्स हो जाएगा, और बीटा की वैल्यू यहां पे वन रखते हैं तो यहां पे ओनली एक्स और यहां पे भी ओनली एक्स, ऐसा। तो e टू दी पावर जीरो माने वन होता है, तो ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बस आपको ये जो रिमेनिंग दो टर्म्स है वो आपको लिखना है। तो ये दोनों टर्म्स हमने यहां पर लिख दिए, देखो ये यहां पे C1 C2 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन यहां पे C1 C2 ऑलरेडी हो गया था, इसलिए C3 C4 के साथ हमने आगे कंटिन्यू किए, ठीक है। तो ये टर्म यहां आ गया और ये टर्म यहां आ गया, इस तरह से ये फाइनली पूरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन बन गया। तो जैसा हमने कहा था दो सॉल्यूशंस निकालने हैं, उसमें से पहला सॉल्यूशन मिल गया, और अब दूसरी सॉल्यूशन की बारी, दूसरा हमें निकालना होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का एक फार्मूला होता है, तो चलो हम यहां पे वो फार्मूला बता देते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इट मींस पी आई, ठीक है, और ये फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है वन बाय एफ ऑफ डी इंटू क्यू ऑफ एक्स, देखो ये है फार्मूला, इसका हम यूज करने वाले हैं। तो 1 बाय एफ ऑफ डी, एफ ऑफ डी इट मींस क्या, तो ये जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए थे, तो ये जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है यही है एफ ऑफ डी, तो ये उठा के हमें यहां पुट करना है। और क्यू ऑफ एक्स मतलब क्या, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल्स टू के राइट साइड में ये जो कुछ भी है ये पूरा क्यू ऑफ एक्स है, दैट इज फाइव साइन ऑफ टू एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस टू एक्स, ये पूरा क्यू ऑफ एक्स है, तो वो हमें यहां पुट करना है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, वन बाय एफ ऑफ डी इट मींस वन बाय ये होगा डी टू द पावर फोर, देखो d टू द पावर 4 माइनस थ्री डी स्क्वायर माइनस फोर माइनस थ्री डी स्क्वायर माइनस ऑफ 4, ये हो गया f ऑफ d, ओके। और q ऑफ x मतलब क्या कहा था, 5 साइन ऑफ 2x, तो ये हम लिखेंगे 5 साइन ऑफ 2x माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ 2x, देखो ये हमने ये जो q ऑफ x है ये हमने वहां पे लिख दिए, और अब हमें इसको सॉल्व करना है और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये 1 बाय एफ ऑफ डी से ये दोनों टर्म्स को हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये 5 हम यहां बाहर ले लेंगे, 5 बाय ये डी टू द पावर 4 माइनस 3 डी स्क्वायर माइनस 4 साइन ऑफ 2x माइनस 1 बाय दैट इज d टू द पावर 4 माइनस 3d स्क्वायर माइनस 4 e टू द पावर माइनस ऑफ 2x, देखो फिलहाल ये हमने दोनों टर्म्स के साथ यहां मल्टीप्लाई कर लिया है, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल की जानकारी होना चाहिए। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते समय टोटल 6 केसेस होती है, वो सभी 6 केसेस की जानकारी आपको होना चाहिए। इसके पहले ऑलरेडी हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, उसमें हमने सभी 6 केसेस की जानकारी दिए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे जो टोटल 6 केसेस होते हैं उसमें से यहां पे कौन सी केस लगेंगी, तो यहां पे केस 1 और केस 2 लगेंगी। देखो ये जो यहां पे है साइन 2x और ये e टू द पावर माइनस 2x, ये यहां पे केस लगती है, तो ये एक्सपोनेंशियल ये केस 1 में आता है और ये साइन 2x ये केस 2 में आता है, ठीक है। देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमने आपको बताया है, दैट इज 1 बाय एफ ऑफ डी इंटू क्यू ऑफ एक्स, ये हमने आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला बताया। तो यहां पे जो क्यू ऑफ एक्स होता है, यहां पे क्यू ऑफ एक्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो पहला टाइप है केस 1 में ई टू द पावर ए एक्स, ये पहला टाइप है। तो रूल ऐसा है कि अगर यहां पे ई टू द पावर ए एक्स अगर है, तो रूल ये है कि आपको क्या करना है, यहां पे जो ए का वैल्यू है वो आपको यहां पे d के जगह पुट करना है। ये जो f ऑफ d है उसमें जहां जहां पे d है वहां वहां पे आपको a पुट करना है, ये रूल है केस 1 का। लेकिन पुट करते समय आपको पहले ये चेक करके देख लेना है कि पुट करते समय कि क्या डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। अगर पुट करते समय डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो फिर आप पुट नहीं कर सकते, फिर ऐसे में आपको डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना होता है, न्यूमरेटर में एक्स लिख के डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करना होता है, ये रूल है केस 1 का, ठीक है। और केस 2 का रूल क्या है, देखो केस 2 का रूल हम आपको बता रहे हैं, केस 2 में 1 बाय एफ ऑफ डी इंटू यहां पे साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स हो सकता है, ये केस 2 में आता है, यहां पे साइन ए एक्स भी हो सकता है कॉस ए एक्स भी हो सकता है। अभी फिलहाल यहां पे साइन 2x है इसलिए हम आपको साइन का बता रहे हैं। तो रूल ऐसा है कि अगर यहां पे साइन ए एक्स के फॉर्म में अगर हो, तो आपको क्या करना है, एफ ऑफ डी में
जहां जहां पे डी स्क्योर है, जहां जहां पे डी स्क्योर रहेगा वहां वहां पे माइनस ए स्क्योर पुट करना होता है, उसमें माइनस अलग है और ए स्क्योर अलग है, ठीक है, माइनस का स्क्योर नहीं है, माइनस ए स्क्योर आपको पुट करना होता है डी स्क्योर के जगह, ठीक है, अगर साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स के फॉर्म में हो तो। और रूल फिर से वही है कि पुट करते समय आपको ये पहले चेक करके देख लेना है कि क्या डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है ऐसे में आप पुट नहीं कर सकते हैं, फिर आपको न्यूमरेटर में एक्स लिखना है, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करना है और प्रोसेस को फिर कंटिन्यू करना है। ये रूल है केस वन और केस टू का, दोनों रूल्स हमने आपको बता दिए। तो चलो अब हम यहां पर फाइनली सब कुछ अप्लाई करेंगे, तो देखते हैं। तो यहां पे केस टू है और यहां पे केस वन है, तो केस टू का हमने जो रूल बताए थे वो हम यहां पे अप्लाई करके देखते हैं। तो यहां पे न्यूमरेटर में है 5 और डिनोमिनेटर में देखो क्या है, डी टू द पावर 4, डी टू द पावर 4 मतलब डी स्क्योर इंटू डी स्क्योर होता है, ठीक है, तो डी टू द पावर 4 देखो, डी टू द पावर 4 मतलब डी स्क्योर ऐसा रहेगा, और माइनस 3d स्क्योर माइनस 4 ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, इंटू साइन ऑफ 2x ये एज इट इज रहेगा। तो ऐसे में आपको डी स्क्योर के जगह माइनस ए स्क्योर पुट करना है, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 2 है, तो माइनस ए स्क्योर मतलब माइनस 2 स्क्योर मतलब माइनस 4, तो जहां जहां पे डी स्क्योर है वहां माइनस 4 पुट करना पड़ेगा, तो यहां माइनस 4 आएगा, यहां माइनस 4 आएगा, यहां माइनस 4 आएगा। तो पहले चेक करो रफ में, थोड़ा सा आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या जीरो हो रहा है, देखो यहां पे आएगा माइनस 4, देन यहां आएगा माइनस 4, यहां माइनस 3 इंटू ये माइनस 4 और फिर ये माइनस 4, तो ये माइनस 4 इंटू माइनस 4 कितना, ये 4 4 जा ये हो जाएगा 16, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 जा ये 12 और फिर ये माइनस 4, तो क्या ये जीरो हो रहा है, नहीं, 16 प्लस 12 माइनस 4 ये जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम ये जो भी रूल है इसमें डी स्क्योर का वैल्यू माइनस ए स्क्योर ये हम पुट कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है, तो यहां पे तो हम पुट कर लेंगे, ये कंफर्म है। चलो यहां पे देखते हैं केस वन लगाएंगे तो क्या डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, ऐसे में डी के जगह आपको ए का वैल्यू पुट करना होता है, तो डी के जगह ए का वैल्यू क्या है, यहां माइनस 2 है, देखो ई टू दी पावर एक्स के फॉर्म में होता है, ए का वैल्यू माइनस 2 है, तो जहां जहां पे डी है वहां माइनस 2 पुट करो, तो यहां आएगा माइनस 2 टू द पावर 4, ठीक है, माइनस 3, देन ये डी स्क्योर मतलब माइनस 2 का स्क्योर और फिर माइनस 4, देखो क्या ये जीरो हो रहा है, तो यहां पे 2 टू द पावर 4 है माइनस के साथ, तो माइनस का पावर 4 अगर आप करेंगे तो प्लस होता है, और 2 टू द पावर 4 होता है 16, ठीक है, फिर ये माइनस, ओके, यहां पे माइनस 2 का स्क्योर हो जाएगा 4, ठीक है, 4 3 जा ये होगा 12 और फिर ये माइनस 4, ठीक है, तो ये 16 माइनस 12 कितना 4 माइनस 4, तो देखो ये जीरो हो रहा है। यहां पे हमने अगर d के जगह माइनस 2 पुट किए तो ये डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, इसका मतलब हम पुट नहीं कर सकते हैं, ऐसे में हमें क्या करना है, यहां न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करना है और फिर यही प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, समझ गए, दोनों में हमने आपको पुट करके बता दिए, यहां पे हम पुट कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है और यहां पे हम पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। तो चलो अब इसको प्रॉपरली सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो ये पहला टर्म एज इट इज रहने दो, हमने यहां पर डी टू द पावर 4 को डी स्क्वायर के फॉर्म में लिखे हैं, तो ये एज इट इज रखो, अगले स्टेप में हम यहां पर केस 2 का रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, और यहां पर हमने जैसा कहा न्यूमरेटर में एक्स लिखना है और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है, तो d टू द पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 4d क्यूब, ठीक है, माइनस यहां पे ये हो जाएगा 6d, ठीक है, और 4 का 0 इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ 2x, देखो ये हमने डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर लिए तो ऐसा आया, ओके, और अब यहां पे पुट करो तो यहां पे 0 नहीं हो रहा है, हमने आपको पहले ही बता दिए 5, और ये हो रहा है डी स्क्योर के जगह माइनस ऑफ ए स्क्योर, इसका मतलब माइनस ऑफ 4, तो डी स्क्योर के जगह माइनस 4 इंटू ये भी माइनस 4, माइनस 3 इंटू माइनस 4 और ये माइनस ऑफ 4 इंटू साइन ऑफ 2x, तो इस तरह से ये हमने केस 2 के रूल्स यहां पे अप्लाई कर लिए और डी स्क्योर के जगह माइनस ऑफ ए स्क्योर पुट कर लिए, ठीक है, ये पहले टर्म के साथ हो गया। और अब यहां पे अब हम देखेंगे फिर से केस 1 के रूल अप्लाई करके, इट मींस फिर से यहां पे देखो डिनोमिनेटर में जहां पे हमने डिफरेंशिएट किया था वहां पे हम फिर से देखेंगे डी के जगह ए का वैल्यू पुट करके देखेंगे कि क्या डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। तो चलो देखते हैं, यहां पर देखो डी के जगह अगर आप ए का वैल्यू क्या है माइनस 2, तो हम इसको रफ में आपको बताते हैं, देखो ये 4, ओके, देन डी क्यूब मतलब माइनस ऑफ 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डी के जगह ए का वैल्यू पुट करना है, ए का वैल्यू माइनस 2 है, तो माइनस 2 क्यूब, माइनस ऑफ 6 डी के जगह माइनस ऑफ 2, ऐसा,
ठीक है, तो क्या ये जीरो हो रहा है? देखो फोर, ये माइनस ऑफ टू का क्यूब इट मींस माइनस ऑफ एट, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ ट्वेल्व, तो ये हो जाएगा दैट इज कितना माइनस ऑफ 32 प्लस ये 12, तो क्या ये जीरो होगा? नहीं, जीरो नहीं होगा। इसका मतलब हम यहां पे केस वन के रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, यहां पे हम डी के जगह ए का वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो न्यूमिनेटर में एक्स एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा फोर इंटू माइनस ऑफ टू क्यूब माइनस सिक्स इंटू माइनस टू इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ टू एक्स। ठीक है, हमने डी के जगह माइनस टू पुट कर लिए। ओके, यहां पे भी पुट हो गया, यहां पे भी पुट हो गया, और अब बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये न्यूमरेटर में फाइव और डिनोमिनेटर में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज फोर फोर सिक्सटीन, देन ये प्लस ये ट्वेल्व और ये माइनस फोर, तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर, ठीक है, इंटू साइन ऑफ टू एक्स। ठीक है, और यहां पर क्या बचेगा, माइनस ऑफ, इसको हमने सॉल्व कर लिया था, तो ये माइनस थर्टी टू प्लस ट्वेल्व, तो ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी। ठीक है, और यहां पे भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स बाय ट्वेंटी, ओके, इनटू ई टू द पावर माइनस ऑफ टू एक्स। तो और इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सफिशियंट है। इसका मतलब हमें क्या मिल गया, हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई मिल चुका है। तो जैसा हमने कहा था स्टार्टिंग में कि टोटल दो सोल्यूशन हमें निकालना होता है, सी एफ और पी आई, तो वो दोनों सोल्यूशन हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, ये है सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और ये है पी आई दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। और हमने ये भी कहा था कि एट द लास्ट ये दोनों सोल्यूशन को हमें एड करना है ताकि जनरल सोल्यूशन मिले। तो चलो अब ये दोनों को हम एड करते हैं और जनरल सोल्यूशन लिखते हैं। तो ये हम लिखेंगे देयर फोर जनरल सोल्यूशन इज, जनरल सोल्यूशन इज, तो जनरल सोल्यूशन हम लिखेंगे दैट इज वाई इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, हमें ऐसा लिखना है, बस यहां पे दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। ठीक है, उसको सॉल्व वगैरह कुछ नहीं करना है, तो हम लिखेंगे वाई इक्वल्स टू, ये सी एफ का काफी बड़ा इक्वेशन, तो हम लिखेंगे सी वन ई टू द पावर टू एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस ऑफ टू एक्स प्लस सी थ्री कॉस ऑफ एक्स प्लस सी फोर साइन ऑफ एक्स। ठीक है, ये पूरा बड़ा इक्वेशन सी एफ का, ये हमने यहां लिख दिए, और अब उसमें पी आई हमें ऐड करना है। तो पी आई के टर्म्स देखो ये है दैट इज फाइव बाई ट्वेंटी फोर इंटू साइन ऑफ टू एक्स। ठीक है, और सेकंड टर्म है हम नीचे लिखेंगे एक्स बाय ट्वेंटी इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ टू एक्स। तो इस तरह से हमने यहां पे सी एफ और पी आई को ऐड करके हमने जनरल सॉल्यूशन बना लिए हैं, और फाइनली प्रॉब्लम यही पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। ये था हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम नंबर 14। इसके पहले जो हमने इसके 13 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोज में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।